मायसेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम सेक्शन ऑफ पिरामिड ड्रॉ करना सीखेंगे। डेटा इस प्रकार है, अ स्क्वायर पिरामिड बेस 30 mm साइड एंड एक्सिस 60 mm लॉन्ग हैज इट्स बेस ऑन द एच पी एंड ऑल द एजिस ऑफ द बेस इक्वली इंक्लाइंड टू द वी पी। इट इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू द वी पी एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एच पी एंड bisecting the axis. Draw its front view, sectional top view, sectional side view and true shape of the section. तो यहाँ पर डेटा में हमें एक स्क्वायर पिरामिड दिया गया है जिसकी एजो बेस की जो साइज है वो 30 mm है और इस पिरामिड की जो एक्सिस की हाइट है वो 60 mm दी गई है और ये पिरामिड अपने बेस पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट हो रहा है और यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन दी गई है, ऑल द एजिस ऑफ द बेस इक्वली इंक्लाइन टू द वी पी, यानी इस स्क्वायर पिरामिड के जो चार एज ऑफ बेस है वो चारों एज ऑफ बेस वर्टिकल प्लेन के साथ एक समान एंगल बनाकर ये पिरामिड हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट हो रहा है और इस पिरामिड को एक सेक्शन प्लेन जो कि वर्टिकल प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाकर इस पिरामिड की एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये सेक्शन प्लेन इस पिरामिड की एक्सिस के दो इक्वल डिवीजन कर रहा है। तो इस कंडीशन को लेकर हमें इस पिरामिड का फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू, सेक्शनल साइड व्यू और उसका ट्रू शेप ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे कि ये स्क्वायर पिरामिड है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेस्ट हो रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की थियरी के मुताबिक एक्स वाई लाइन से ऊपर का प्लेन जो रहता है वो वर्टिकल प्लेन रहता है जिस पर हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे और एक्स वाई लाइन से नीचे का प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिस पर हम। तो इस प्रॉब्लम की शुरुआत हम इस स्क्वायर पिरामिड का टॉप व्यू ड्रॉ करके करेंगे। तो यहाँ पर डेटा में हमें बताया गया है कि ये स्क्वायर पिरामिड अपने बेस पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट हो रहा है, साथ ही जो चारों एज ऑफ बेस है वो वर्टिकल प्लेन के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। इसलिए इस कंडीशन से अगर हम इस स्क्वायर पिरामिड का टॉप व्यू देखेंगे तो हमें एक स्क्वायर नज़र आएगा और ये स्क्वायर हम 45 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ करेंगे ताकि चारों एजो बेस है वो वर्टिकल प्लेन के साथ इक्वली इंक्लाइंड रहेगी, यानी 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो अब हम एक्स वाई लाइन से नीचे 45 डिग्री के एंगल पर 30 mm साइड का एक्स स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम मार्क करेंगे पॉइंट 1, 9, 2, 3 एंड 4। अब हम पॉइंट 1, 3 और 2, 4 को जोड़ लेंगे और यहाँ पर हम मार्क करेंगे पॉइंट ओ। यहाँ पर इन चारों के जो बेस की जो साइज है वो है 30 mm। अब हम इन सभी पॉइंट में से नीचे से ऊपर की दिशा में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करके 60 mm एक्सिस हाइट का एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ मिलेगा 1', यहाँ मिलेगा 2' एंड 3' एंड 4' और यहाँ हम मार्क करेंगे पॉइंट O'। इस पिरामिड की जो एक्सिस हाइट है वो है 60 mm। अब यहाँ पर डेटा में हमें बताया गया है कि ये एक सेक्शन प्लेन है जो कि वर्टिकल प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, वो इस पिरामिड की एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि इस एक्सिस के मिड पॉइंट में से 45 डिग्री के एंगल पर इस पिरामिड को कट कर रहा है। इसलिए अब हम इस एक्सिस का मिड पॉइंट मार्क करेंगे और इस पॉइंट में से हम 45 डिग्री के एंगल पर कटिंग प्लेन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये है कटिंग प्लेन लाइन जिसे हम CPL नाम देंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट है वो इस एक्सिस का मिड पॉइंट है, इसलिए एक्स वाई लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस बनेगा 30 mm और यहाँ पर ये एंगल है वो है 45 डिग्री। तो आप समझ लो कि ये कटिंग प्लेन है वो वर्टिकल प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और इस पिरामिड को कट कर रहा है।
कुछ इस तरह से ये कटिंग प्लेन रेस्ट होगा। तो ये कटिंग प्लेन वर्टिकल प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है और ओरिजिनल प्लेन के साथ यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इस तरह से ये पिरामिड कट हो रहा है। तो ये पिरामिड कट होने के बाद ऊपर का पोर्शन है उसे हम रिमूव कर देंगे, तो कटिंग प्लेन लाइन से जो नीचे का पोर्शन बचेगा उसे हम डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर एक्स वाई लाइन से ये जो ऊपर का व्यू हमें मिला वो हो गया इस कंडीशन का फ्रंट व्यू। अब हम सेक्शनल टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। इसके लिए ये कटिंग प्लेन लाइन यहाँ पर इस स्लांट एजिस को जहाँ पर भी टच हो रही है वहाँ हम पॉइंट मार्क करेंगे। तो यहाँ हम मार्क करेंगे पॉइंट P1 डैश, यहाँ मिलेगा P2 डैश, और यहाँ हम मार्क करेंगे P3 डैश। अब हम इस P1 डैश, P2 डैश और P3 डैश को टॉप व्यू में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर P1 डैश है वो O-1 डैश स्लांट एज के बीच में है। तो अब हम P1 डैश में से नीचे की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये प्रोजेक्शन लाइन O-1 को जहाँ मिलेगी वहाँ मिलेगा पॉइंट P1। तो यहाँ मिलेगा पॉइंट P1 एंड P2 डैश पॉइंट है वो स्लांट एज O-2 डैश और O-4 डैश के बीच में है। तो टॉप व्यू में भी हमें P2, O-2 और O-4 के बीच में मिलेगा, लेकिन P2 डैश है वो इस एक्सिस के पॉइंट पर है, इसलिए ये P2 डैश का प्रोजेक्शन टॉप व्यू में ट्रांसफ़र करने के लिए हम P2 डैश में से हम O-1 डैश तक की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन O-1 डैश को जहाँ मिलेगी वहाँ हम मार्क करेंगे पॉइंट Q-डैश। तो यहाँ मिलेगा Q-डैश। अब हम Q-डैश में से नीचे की दिशा में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये प्रोजेक्शन लाइन O-1 को जहाँ मिलेगी वहाँ मिलेगा पॉइंट Q। तो यहाँ मिलेगा पॉइंट Q। अब हम O से Q जितनी रेडियस लेंगे और ऊपर और नीचे आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये आर्क O-2 को जहाँ मिलेगी वहाँ मिलेगा पॉइंट P2, और O-4 को जहाँ मिलेगी वहाँ भी मिलेगा पॉइंट P2। देन पॉइंट P3 डैश है वो स्लांट एज O-3 डैश के बीच में है, इसलिए हम P3 डैश में से नीचे की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये प्रोजेक्शन लाइन O-3 को जहाँ मिलेगी वहाँ मिलेगा पॉइंट P3। तो यहाँ मिलेगा पॉइंट P3। अब हम P1, P2, P3, P2 और P1 को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर P1, P2, P3 और तो यहाँ पर P1, P2, P3, P2 और P1 तो यहाँ पर P1, P2, P3, P2 और P1 के बीच का जो हमें एरिया मिल रहा है वो है कट सेक्शन सरफेस। तो इसमें हम 45 डिग्री के एंगल पर हैचिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, और दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस रखेंगे हम अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 मिलीमीटर। यहाँ पर इस कटिंग प्लेन लाइन से इस पिरामिड का जो बेस है वो कट नहीं हो रहा है, इसलिए हम पॉइंट 1, 2, 3, 4 और 1 को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। अब हम पॉइंट 1 से P1, 2 से P2, 3 से P3 और 4 से P2 की लाइन को भी डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो ये व्यू है वो बन गया इस कंडीशन का सेक्शनल टॉप व्यू। अब हम इस कंडीशन का सेक्शनल साइड व्यू ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम एक्स वाई लाइन से नीचे की दिशा में एक रैंडम लेंथ की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस पॉइंट में से हम 45 डिग्री के एंगल पर एक रैंडम लेंथ की लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इस टॉप व्यू में से सभी पॉइंट में से ये 45 डिग्री के एंगल तक की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस सभी पॉइंट में से हम एक्स वाई लाइन तक की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से यहाँ मिलेगा पॉइंट 1 डबल डैश, यहाँ से यहाँ मिलेगा 2 डबल डैश एंड यहाँ से यहाँ मिलेगा 3
थ्री डबल डैश और पॉइंट फोर से यहाँ मिलेगा फोर डबल डैश। अब हम पी वन डैश, पी टू डैश और पी थ्री डैश में से रैंडम लेंथ की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। सेम वे हम पॉइंट पी वन, पी टू, पी थ्री और पी टू में से इस 45 डिग्री के एंगल तक की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट पी वन की हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स वाई लाइन को यहाँ मिलती है और इस पॉइंट में से हम पी वन डैश में से जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है वहाँ तक की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट पी वन में से जो हमने प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ की है वो प्रोजेक्शन लाइन पी वन डैश में से जो प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ की है उसे जहाँ मिलेगी वहाँ मिलेगा पॉइंट पी वन डबल डैश। तो पी टू में से जो प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ की है वो यहाँ पर मिलती है और इस पॉइंट में से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और उसे पी टू डैश में से जो हमने प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ की है उसे इंटरसेक्ट करवाएंगे। तो पी टू की प्रोजेक्शन लाइन पी टू डैश की प्रोजेक्शन लाइन से जहाँ मिलेगी वहाँ मिलेगा पी टू डबल डैश। देन पी थ्री की प्रोजेक्शन लाइन पी थ्री डैश की प्रोजेक्शन लाइन से जहाँ मिलेगी वहाँ मिलेगा पी थ्री डबल डैश। देन पी टू की ये प्रोजेक्शन लाइन यहाँ जहाँ मिलती है इस पॉइंट में से हम पी टू डैश की प्रोजेक्शन लाइन तक की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे वहाँ मिलेगा पॉइंट पी टू डबल डैश। अब हम इस सभी पॉइंट को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। यहाँ पर टू डैश पी टू डैश और फोर डैश पी टू डैश की लाइन है वो डार्क लाइन है। सेम वे टू डबल डैश और पी टू डबल डैश और फोर डबल डैश और पी टू डबल डैश को भी हम डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। देन थ्री डैश पी थ्री डैश तक की लाइन डार्क लाइन है तो यहाँ पर थ्री डबल डैश और पी थ्री डबल डैश की लाइन को भी हम डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। और यहाँ पर वन डैश, टू डैश, थ्री डैश और फोर डैश की लाइन है उसमें कुछ कटिंग नहीं हो रहा है इसलिए ये डार्क लाइन है। सेम वे हम वन डबल डैश, टू डबल डैश, थ्री डबल डैश और फोर डबल डैश की लाइन को भी डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। अब हम यहाँ इस एरिया में हैचिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर ये व्यू है वो सेक्शनल राइट हैंड साइड व्यू है। अब हम इस कंडीशन का ट्रू शेप ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम P1 डैश, P2 डैश और P3 डैश में से 45 डिग्री के एंगल पर इस डायरेक्शन में रैंडम लेंथ की प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पर कटिंग प्लेन लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम ये जो P1, P2, P3 और P2 पॉइंट है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट P1 है वो यहाँ P1 डैश से मिलेगा और यहाँ मिलेगा पॉइंट P1। सेम वे ये P3 है वो यहाँ P3 डैश से मिलेगा तो यहाँ मिलेगा पॉइंट P3। तो यहाँ पर P1 और P3 को हमने यहाँ P1 और P3 के रूप में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम पॉइंट P2 को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे इसलिए यहाँ पर हम पॉइंट O से पॉइंट P2 तक की रेडियस लेंगे। तो O से ऊपर के P2 और नीचे के P2 की रेडियस सेम रहेगी। तो यहाँ पर ये पॉइंट O है वो ट्रू शेप में हमें यहाँ मिलेगा इसलिए हम लेफ्ट और राइट साइड आर्क ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ मिलेगा पॉइंट P2 और यहाँ भी मिलेगा पॉइंट P2। अब हम इन सभी पॉइंट को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। अब हम यहाँ इस एरिया में हैचिंग लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हम 45 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ करेंगे और दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस रहेगा 2 to 3 millimeter। तो ये व्यू है वो इस कंडीशन का ट्रू शेप है। इसी के साथ ही सेक्शन ऑफ पिरामिड का ये प्रॉब्लम यहाँ कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।